हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज मैं अपने प्लांट को फिर आया हुआ हूँ, तो आज मेरे प्लांट में पहली ड्रेंचिंग हो रही है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि पहली ड्रेंचिंग मैं किस चीज़ की कर रहा हूँ। तो सारा कुछ बताएंगे आज, पहली ड्रेंचिंग किस चीज़ की हो रही है। तो सबसे पहले हर बार की तरह मैं आप लोगों को अपना प्लांट दिखाता हूँ कि जो मेरा प्लांट आज 4-5 दिन का हो गया है, तो इसमें कोई फ़र्क आया है या नहीं आया है, कैसा है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्लांट दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा केले का प्लांट है सारा, जिसको लगाए हुए जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस दिन लगाया था, तब से आज लगभग 4 से 5 दिन हो गए होंगे लगाए हुए। तो लगाने के बाद आज मैंने सोचा कि पहले ड्रेंचिंग, वैसे तो पहले ड्रेंचिंग 2-3 दिन हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश मेरा लेट हो गया, 4-5 दिन हो गए हैं। तो वैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि पौधे में जो नया वाला पत्ता खुलना है वो निकलना स्टार्ट हो गया है, तो जिससे ये लग रहा है कि धीरे धीरे पौधा चलने की ओर है। तो हर पौधे में आप देख सकते हैं, नया वाला बीच वाला जो एक पत्ता निकलता है सूखी, वो लगभग निकलने के लिए तैयार है। आप किसी भी पौधे में देखें, ये देखिए, क्योंकि मैंने छोटा प्लांट ही लगाया था, आप लोगों को दिखाया था जब नर्सरी में गया था, तो मैंने छोटा पौधा ही लाया था, छोटा पौधा लगाया है, क्योंकि छोटा पौधा जब नीचे से चलता है तो अच्छे से मोटाई लेके और अच्छे से ग्रोथ करके चलता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आज मैंने जो ड्रेंचिंग करवाई है वो किस चीज़ की करवाई है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आज जो पहली ड्रेंचिंग करवाई है उसमें मैंने 4 चीज़ें ली हैं, और चारों चीज़ों मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है, मैंने 2 प्रकार के फंगीसाइड लिए हैं। तो पहला फंगीसाइड जो केले में ज़्यादातर यूज होता रहता है, कापर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है, कई काम हैं उसके, आप कहीं भी उसको सड़न के लिए डाल सकते हैं, या कोई फंगस की समस्या है उसमें यूज किया जाता है। तो पहला फंगीसाइड हमने लिया है कापर ऑक्सीक्लोराइड, उसको हमने डाला है लगभग 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। और दूसरा फंगीसाइड हमने लिया है कर्बेंडाजिम 50%। तो कर्बेंडाजिम 50% को भी हमने लगभग 50 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब, 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हो गया हमारा कर्बेंडाजिम। और तीसरा चीज़ हमने लिया है एक बैक्टीसाइड, जो एक एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है, कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह हमने नर्सरी से लाया है पौधा, इसमें बैक्टीरिया हो या कोई फंगस हो, फंगस के लिए फंगीसाइड, और अगर कोई बैक्टीरिया पहले से रहा हो या अब लगने वाला हो, तो पहले ही हमें एक बैक्टीसाइड डाल देना चाहिए। तो बैक्टीसाइड के तौर पर हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लिया, 6 ग्राम, जो 6 ग्राम का पाउच आता है, उसको हमने यूज किया है 2 टंकी में, 16-16 लीटर की जो 2 टंकी पानी होता है उसमें 6 ग्राम डाला है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जब भी हम घोलते हैं तब थोड़ा लगभग 1 लीटर के आसपास पानी ले करके उस गुनगुने पानी में उसको घोलते हैं, तो थोड़ा गुनगुना पानी कर लेना चाहिए, उसके बाद उसमें उसको घोलना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमने कीटनाशक भी लिया है, कीटनाशक के तौर पर थाइमेथोग्जाम जो होता है 30%, उसको मैंने लिया है, ताकि अगर जड़ में कोई कीड़े की समस्या रही हो या आगे बचाव के लिए हमने एक कीटनाशक का भी यूज किया है। तो इन चारों चीज़ों का हमने आज अपने प्लांट में यूज किया है, पहली ड्रेंचिंग की है। अगली जो ड्रेंचिंग होगी उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो ये आज मैंने डलवाया है, इसका जो भी रिजल्ट रहता है उसको मैं आप लोगों को तुरंत दिखाऊँगा, लगभग 3 से 4 दिन बाद जब दूसरी ड्रेंचिंग होगी तब मैं आप लोगों को इस ड्रेंचिंग का रिजल्ट दिखाऊंगा और अगला जो ड्रेंचिंग होगा उसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह से अब की बार वर्ष भर जो भी हमारे प्लांट में काम होते जाएंगे और उसका जो भी रिजल्ट निकलता जाएगा मैं आप लोगों को दिखाता चला जाऊंगा। तो दोस्तों, आज यही सब ड्रेंचिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या ड्रेंचिंग हो रही है। और जो लोग भी नए हैं, जो लोग पहली बार केले की खेती कर रहे हैं, तो उन लोगों को सब चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कब क्या करना चाहिए, तो वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि
उन लोगों को थोड़ा सा सहारा मिल सके कि कब क्या करना चाहिए। और जो मैं कर रहा हूँ वो अपने प्लांट में कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप भी यही करें, आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, जो आपको कहीं से गाइडेंस मिले आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पज़ यह है कि मेरे पास जो भी जानकारियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाएँ, ताकि जो लोग उससे थोड़ा बहुत लाभ ले पाएँ वो ले सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को लगे वाकई वीडियो अच्छा है, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि आप देख सकते हैं खेत में अभी काम चल रहा था ड्रेंचिंग का, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन तब भी मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाए, क्योंकि वैसा मैं घर से सोच के आया था कि थोड़ा बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब सोचा खेत में हूँ तो खेत से लाइव वीडियो दिखाना आप लोगों को, प्लांट वगैरह सारा कुछ सही रहता है। बाकी मैं जाकर के घर में रेडी होकर के भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा जिस हालत में जहाँ पर हूँ आप लोगों को लाइव वीडियो आपके पास पहुँचना चाहिए, तो थोड़ा गर्मी झेलते हुए आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।